नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर्स. फर्स्ट इज एरर इन सम. का मेजर वैल्यू प्लस माइनस अब डेल्टा ए,
बी की मेजर वैल्यू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा टू। अगर मैं यहां से एक्स कॉमन लेता हूं तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स। देखो एक्स और डेल्टा अलग नहीं है, ये दोनों एक ही टर्म। अगर x से 1 को मल्टीप्लाई करो तो देखो x आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x को डेल्टा x by x से मल्टीप्लाई करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा डेल्टा x। तो दिस इक्वेशन आप सेम यहां से a कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a by a। अगर हम यहां से b कॉमन ले तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b by b। This is equal to a into b 1 plus minus delta a by a 1 plus minus delta b by b is equal to x into 1 plus minus delta x by x a into b x के इक्वल 1 plus minus delta x by x 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 into 1 is 1 1 से इसे मल्टीप्लाई करो plus minus delta b by b प्लस माइनस ए बाई ए को 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। दिस से दिस को मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इनटू डेल्टा बी बाई बी। दिस इज द रिलेटिव एरर इन एक्स, दिस इज द रिलेटिव एरर इन बी, दिस इज द रिलेटिव एरर इन ए। रिलेटिव एरर की वैल्यू नॉर्मली डेसिमल में ही होगा। अगर रिलेटिव वैल्यू इनटू रिलेटिव वैल्यू प्रोडक्ट वेरियस अमाउंट नेगलेक्टेड 1 से 1 कैंसिल डेल्टा x by x डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b मींस रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन a एंड b। दिस इज द केस ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट एरर इन डिवीजन। अगर हम डिवीजन का केस लेते हैं फोर्थ केस अगर हम डिवीजन का केस लें तो x इज इक्वल टू a बाय b। दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रू वैल्यू। अगर हम मेजर्ड वैल्यू लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस ऑफ डेल्टा भी। अगर हमने यहां से x कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय a कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a b कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b बट a बाय b इज x मींस 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। अगर हम इसे ऊपर शिफ्ट कर ले तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b होल पावर ऑफ माइनस 1 क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट होगा तो इनवर्स हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस x टू की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n इनटू x पावर से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई होगा बट x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहां तुम देखो इसमें हम देखे दिस इज द रिलेटिव एरर और इसकी वैल्यू डेसिमल में आती है मींस दिस वैल्यू लेस देन 1 इसका मतलब पावर यहां मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a 1 माइनस इंटू प्लस इज माइनस 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 इज प्लस डेल्टा बी बाई बी। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एक्सपेंड कर दो 1 से 1 को मल्टीप्लाई 1 1 से डेल्टा बी बाई बी माइनस प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई बी डेल्टा ए बाई ए को 1 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस डेल्टा ए बाय ए इनटू डेल्टा बी बाय बी। दिस इज द रिलेटिव एरर, दिस इज द रिलेटिव प्रोडक्ट में वेरी स्मॉल नेगलेक्टेड। अब यहां 1 से 1 कैंसिल मींस डेल्टा एक्स बाय एक्स डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी मींस इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है। Prove that relative error in x is equal to sum of relative error in a and b.